डियो बुक्स डॉट कॉम पर आप सुन रहे हैं सीरत सरवर आलम सल्हम जिल्द दो तालीफ मौलाना सैयद अबुलला मोदूदी आवाज वजीह अहमद सिद्दीकी प्रोड्यूसर अजहर न्याज बाप शहारुम हिस्सा अट्ठाईस इंसान के आजा की गवाहियाँ आज हम उनके मुंह बंद किए देते हैं उनके हाथ हमसे बोलेंगे और उनके पाँव गवाही देंगे कि ये दुनिया में क्या कमाई करते रहे हैं शुर यासीन आयत पैंसठ ये हुक्म उन हेकड़ मुजरिमों के मामले में दिया जाएगा जो अपने जराइम का इकबाल करने से इनकार करेंगे गवाहियों को भी झुटला देंगे और नाम आमाल की सेहत भी तस्लीम न करेंगे तब अल्लाह ताला हुक्म देगा कि अच्छा अपनी बकवास बंद करो और देखो तुम्हारे अपने आजाए करतूतों की क्या रुदात सुनाते हैं वो उस दिन को भूल ना जाए जबकि उनकी जुबाने और उनके अपने हाथ उनके करतूतों की गवाही देंगे सूर्य नूर आयत 24 यहां यह सवाल पैदा होता है कि एक तरफ तो सूर्य यासीन की उस आयत में जो पहले नकल हुई है अल्लाह ताला फरमाता है कि हम उनके मुंह बंद कर देंगे और दूसरी तरफ सूरह नूर की इस आयत में फरमाता है कि उनकी जुबानें गवाही देंगी इन दोनों बातों में तताबुक कैसे होगा इसका जवाब ये है कि मुंह बंद कर देने से मुराद उनका इख्तियार कलाम सलब कर लेना है यानी इसके बाद वो अपनी ज़ुबान से अपनी मर्जी के मुताबिक बात न कर सकेंगे और ज़ुबानों की शहादत से मुराद ये है कि उनकी ज़ुबानें ख़ुद ये दास्तान शुरू कर देंगी कि हमसे इन जालिमों ने क्या काम लिया था कैसे कैसे कुफर बके थे क्या क्या झूठ बोले थे क्या क्या फितने बर्पा किए थे और किस किस मौके पर इन्होंने हमारे जरिए से क्या बातें की थीं फिर जब सब वहाँ पहुँच जाएंगे तो उनके कान और उनकी आँखें और उनके जिस्म की खालें उन पर गवाही देंगी कि वो दुनिया में क्या कुछ करते रहे हैं वो अपने जिस्म की खालों से कहेंगे तुमने हमारे ख़िलाफ़ क्यों गवाही दी वो जवाब देंगी हमें इसी खुदा ने गोयाई दी है जिसने हर चीज़ को गोया कर दिया है उसी ने तुम्हें पहली बार पैदा किया था और उसी की तरफ तुम पलटाए जा रहे हो सुरह हामीम सजदा आयत 20 और 21। अदीस में इसकी तशरी यह आई है जब कोई हेकड़ मुजरिम अपने जराइम का इनकार ही करता चला जाएगा और तमाम शहादतों को भी जुटलाने पर तुल जाएगा तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उसके जिस्म के आजा एक एक करके शहादत देंगे कि उसने उनसे क्या क्या काम लिए थे ये मज़मून हज़रत अनस रजी अल्लाह हज़रत अबू मूसा रजील्न शरी हज़रत अबू सईद खुजरी रजी अल्लाह और हज़रत इबन अब्बास रजी ने नबी सल वसल्लम से रवायत किया है और मुस्लिम नसाई इब्न जुरैर इबन, इबन अबी हातिम बाज़ार वग़ैरह महदसिन ने इन रवायात को नक़ल किया है ये मिन जुमला उन बहुत सी आयत के है जिनसे ये साबित होता है कि आलम आखिरत महज एक रूहानी आलम नहीं होगा बल्कि इंसान वहाँ दोबारा उसी तरह जिस्म और रूह के साथ ज़िंदा किए जाएंगे जिस तरह वो अब दुनिया में हैं बल्कि उनको जिसम भी वही दिया जाएगा जिसमें अब वो रहते हैं वही तमाम अज्जा और जवाहिर जिनसे उनके बदन इस दुनिया में मुरक्कब थे कयामत के रोज जमा कर दिए जाएंगे और वो अपने इन्हीं सबाती जिस्मों के साथ उठाए जाएंगे जिनके अंदर रहकर वो दुनिया में काम कर चुके थे जाहिर है कि इंसान के आजा वहाँ उसी सूरत में तो गवाही दे सकते हैं जबकि वो वही आजा हों जिनसे उसने अपनी पहली जिंदगी में जुर्म का इरतक किया था इस मजमून पर कुरान मजीद की हजब जैल आयात भी दलील काते हैं बनी इसराइल आयात उनचास इक्यावन अट्ठानवे शुरह मोमिन आयात पैंतीस था अड़तीस बयासी था तिरासी शुर नूर आयत चौबीस सुरह सजदा आयत दस शुर यासिन आयत पैंसठ अठहत्तर उनासी शुरह साफ़ात आयत सोलह था अठारह सरह वाक़ आयत सैतालीस था पचास सुरह नाजात आयत दस था चौदह हम यकीनन एक रोज मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं जो कुछ अफआल उन्होंने किए हैं वो सब हम लिखते जा रहे हैं और जो कुछ आसार उन्होंने पीछे छोड़े हैं वो भी हम सब्त कर रहे हैं हर चीज को हमने एक खुली किताब में दर्ज कर रखा है सुरह यासीन आयत बारा इससे मालूम हुआ कि इंसान का नाम आमाल तीन किस्म के इंदराजात पर मुश्तमिल है एक ये कि हर शख्स जो कुछ भी अच्छा या बुरा अमल करता है वो अल्लाह ताला के दफ्तर में लिख लिया जाता है दूसरे अपने गिरदो पेश की अशिया और खुद अपने जिस्म के आजा पर जो नकूश इम्प्रेशन भी इंसान मुतसम करता है वो सब के सब सब्त तो हो जाते हैं और ये सारे नकुश एक वक्त इस तरह उभर आएंगे कि उसकी अपनी आवाज़ सुनी जाएगी उसके अपने ख़्यालत और नियतों और इरादों की पूरी दास्तान उसकी लोहे जहन पर लिखी नज़र आएगी और उसके एक एक अच्छे और बुरे फ़ेल और उसकी तमाम हरक़त और शक्न की तस्वीरें सामने आ जाएंगी। तीसरे अपने मरने के बाद अपनी आइंदा नस्ल पर अपने माशरे पर और पूरी इंसानियत पर अपने अच्छे और बुरे आमाल के जो असरात वो छोड़ गया है वो जिस वक्त तक और जहाँ जहाँ तक कार फरमा रहेंगे वो सब उसके हिसाब में लिखे जाते रहेंगे अपनी औलाद को जो भी अच्छी या बुरी तरबियत उसने दी है अपने माशरे में जो भलाइयाँ या बुराइयाँ उसने फैलाई हैं और इंसानियत के हक़ में जो फूल या कांटे भी वो बो गया है उन सब का पूरा रिकॉर्ड उस वक्त तक तैयार किया जाता रहेगा जब तक उसकी लगाई हुई ये फसल दुनिया में अपने अच्छे या बुरे फल लाती रहेगी उस वक्त तुम हर ग्रोह को घुटनों के बल गिरा देखोगे हर ग्रोह को पुकारा जाएगा कि आए और अपना नाम देखे उनसे कहा जाएगा आज तुम लोगों को उन नामाल का बदला दिया जाएगा जो तुम करते रहे थे ये हमारा तैयार कराया हुआ नामय आमाल है जो तुम्हारे ऊपर ठीक ठीक शहादत दे रहा है जो कुछ भी तुम करते थे उसे हम लिखवाते जा रहे थे सूर्य जासिया आयात 28 और उनतीस लिखवाने की सिर्फ यही एक मुमकिन सूरत नहीं है कि कागज़ पर कलम से लिखवाया जाए इंसानी अकवाल अफ़ाल को सब्त करने और दोबारा उनको बी उसी शक्ल में पेश कर देने की मतदद दूसरी सूरतें इसी दुनिया में ख़ुद इंसान दरियाफ्त कर चुका है और हम तसवर भी नहीं कर सकते कि आगे इसके और क्या इम्कान पोशीदा हैं जो कभी इंसान ही की गिरफ्त में आ जाएंगे अब ये कौन जान सकता है कि अल्लाह ताल किस किस तरह इंसान की एक एक बात और उसकी हरकत व शकनात में से एक एक चीज़ और उसकी नीयतों और इरादों और ख्वाहिशात और खयालात में से हर मख् से मख्फी शय को सब्त करा रहा है और किस तरह वो हर आदमी हर गुरो और हर कौम का पूरा कारनामा हयात बेकमो कमोकाश्त उसके सामने ला कर रख देगा और जब रसूलों की हाज़री का वक्त आ पहुँचेगा सूरह मुसलात आयत ग्यारह कुरान करीम में मतद मकाम पर यह बात बयान की गई है कि मैदान हशर में जब नोए इंसानी का मुकदमा पेश होगा तो हर कौम के रसूल को शहादत के लिए पेश किया जाएगा ताकि वो इस अम्र की गवाही दे कि उसने अल्लाह का पैगाम उन लोगों तक पहुँचा दिया था ये गुमराहों और मुजरमों के खिलाफ अल्लाह की सबसे पहली और सबसे बड़ी हुज्जत होगी जिससे ये साबित किया जाएगा कि वो अपनी ग़लत रविश के ख़ुद ज़िम्मेदार हैं अल्लाह ताला की तरफ से उनको ख़बरदार करने में कोई कसर नहीं उठा रखी गई थी मिसाल के तौर पर हजब जैल मुकामात मुलाहजा हूँ तफीमुल कुरान जल्दोम शुर आराफ़ आयात एक सौ बहत्तर और एक सौ तिहत्तर हवाशी एक सौ चौंतीस एक सौ पैंतीस जिल चहारुम सुरह जुमर आयत उनहत्तर हाशिया अस्सी जिल शशुम सुरह मुल्क आयत आठ हाशिया चौदह और किताब आमाल लाकर रख दी जाएगी अम्बिया और तमाम गवाह हाजिर कर दिए जाएंगे लोगों के दरमियान ठीक ठीक हक़ के साथ फैसला कर दिया जाएगा और उन पर कोई जुल्म न होगा सुरह जुमर आयत उनहत्तर अम्बिया तो इस अम्र की गवाही देंगे कि उन्होंने खुदा का पैगाम पहुँचाया था उनके सवा दूसरे गवाहों से मुराद वो गवाह भी हैं जो इस बात की शहादत देंगे कि अम्बिया के बाद लोगों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया गया था और वो गवाह भी जो लोगों के आमाल की शहादत पेश करेंगे ज़रूरी नहीं है कि ये गवाह सिर्फ इंसान ही हूँ फरिश्ते और जिन और हैवानात और इंसानों के अपने आजा और दरो दीवार हजरों हजर सब इन गवाहों में शामिल होंगे तो क्या वो उस वक्त को नहीं जानता जब खबरों में जो कुछ मदफून है उसे निकाल लिया जाएगा और सीनों में जो कुछ मख्फी है उसे बरामद करके उसकी जांच पड़ताल की जाएगी सुरह आदियात आयत नौ और दस यानी मरे हुए इंसान जहां जिस हालत में भी पड़े होंगे वहां से उनको निकालकर जिंदा इंसानों की शक्ल में उठा लाया जाएगा और दिलों में जो इरादे और नीयतें जो अगराज मकासद ख्याल अफका और, तो और जाहिरी अफआल के पीछे जो महर्रिका मोटिव्स छुपे हुए होंगे वो सब खोल कर रख दिए जाएंगे और उनकी जांच पड़ताल करके अच्छाई को अलग और बुराई को अलग छांट दिया जाएगा दीगर फैसला सिर्फ जाहिर ही को देखकर नहीं किया जाएगा कि इंसान ने अमलन क्या कुछ किया बल्कि दिलों में छुपे हुए राजों को भी निकाल कर ये देखा जाएगा कि जो काम इंसान ने किए वो किस नीयत से और किस गरज से किए इस बात पर अगर गौर किया जाए तो इंसान ये तस्लीम किए बगैर नहीं रह सकता कि असली और मुकम्मल इंसाफ खुदा की अदालत के सिवा और कहीं नहीं हो सकता दुनिया के लादीनी कवानी भी उसूली हैसियत से ये ज़रूरी समझते हैं कि किसी शख्स के महज़ महजरी फ़ेल की बिना पर उसे सजा न दी जाए बल्कि ये भी देखा जाए कि उसने किस नीयत से वो फेल किया है लेकिन दुनिया की किसी अदालत के पास भी वो जराए नहीं हैं जिनसे वो नीयत की ठीक ठीक तहकीक कर सके ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ही कर सकता है कि इंसान के हर ज़ाहरी फेल के पीछे जो बातनी महरक़ात कार फरमा रहे हैं उनकी भी जांच पड़ताल करे और उसके बाद ये फैसला करे कि वो किस जजा या सज़ा का मुस्तक है फिर आयत के अल्फाज ये जाहिर करते हैं कि ये फैसला महज अल्लाह के उस इल्म की बिना पर नहीं होगा जो वो दिलों के इरादों और नीयतों के मुतालिक पहले से ही रखता है बल्कि क़्यामत के रोज इन राजों को खोल कर एलानिया सामने रख दिया जाएगा और खुली अदालत में जांच पड़ताल करके ये दिखा दिया जाएगा कि इनमें खैर क्या थी और शर क्या था इसलिए फ़िस्त सुदूर के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं तहसील के मानी किसी चीज़ को निकाल कर बाहर लाने के भी हैं मसलन छिलका उतार कर मगज़ निकालना और मुख्तलिफ चीज़ों को छाँट कर एक दूसरे से अलग करने के लिए भी ये लफ्ज़ बोला जाता है लिहाजा दिलों के असरार की तहसील में ये दोनों मानी शामिल हैं इनको खोल कर ज़ाहिर कर देना भी और उनको छाट कर बुराई और भलाई को अलग कर देना भी जिस रोज पोशीदा असरार की जांच पड़ताल होगी उस वक्त इंसान के पास न खुद अपना कोई जोर होगा और न कोई उसकी मदद करने वाला होगा कसम है बारिश बरसाने वाले आसमान की और नबातात उगते वक्त फट जाने वाली जमीन की ये एक जची तुली बात है हंसी मजाक नहीं है सूर तारख आयत आयात नौता चौदह पोशीदा असरार से मुराद हर शख्स के वो आमाल भी हैं जो दुनिया के सामने एक राज बनकर रह गए हैं और वो मामलात भी हैं जो अपनी ज़ाहरी सूरत में तो दुनिया के सामने आ गए हैं मगर उनके पीछे जो नीयतें और अगराज और ख्वाहिशात काम कर रही थीं उनके जो बातिनी महरिकात थे उनका हाल लोगों से छुपा रह गया क़यामत के रोज ये सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा और जांच पड़ताल सिर्फ इसी बात की नहीं होगी कि किस शख्स ने क्या कुछ किया बल्कि इस बात की भी होगी कि किस वजह से किया क्या गरज और किस नीयत और किस मकसद से किया इसी तरह ये बात भी सारी दुनिया से हती के एक फेल करने वाले इंसान से भी मख्फी रह गई है कि जो फेल उसने किया उसके क्या क्या असरा दुनिया में हुए कहां-कहां पहुंचे और कितनी मुद्दत तक चलते रहे ये राज भी कयामत ही के रोज खुलेगा और उसकी पूरी जांच पड़ताल होगी कि जो बीज कोई शख्स दुनिया में बो गया था उसकी फसल किस किस शकल में कब तक कटती रही और कौन कौन उसे काटता रहा आखिरी फिक्रों का मतलब ये है कि जिस तरह आसमान से बारिशों का बरसना और ज़मीन का शक होकर नबातात अपने अंदर से उगलना कोई मजाक नहीं है बल्कि एक संजीदा हकीकत है उसी तरह कुरान जिस चीज़ की खबर दे रहा है कि इंसान को फिर अपने खुदा की तरफ पलटना है ये भी कोई हंसी मज़ाक की बात नहीं है बल्कि एक दो टोक बात है एक संजीदा हकीक़त है एक अटल कौल हक है जिसे पूरा होकर रहना है उस रोज़ इंसान को उसका सब अगला पिछला किया कराया बता दिया जाएगा बल्कि इंसान खुद ही अपने आप को खूब जानता है चाहे वो कितनी ही माजरतें पेश करे सुरह कयाम आयात तेरह त पंद्रह असल अल्फाज हैं बिमा कदम व अखर ये बड़ा जाम फिक्रा है जिसके कई माने हो सकते हैं और गालिबन वो सभी मुराद हैं एक मानी इसके ये हैं कि आदमी को उस रोज़ ये भी बता दिया जाएगा कि अपनी दुनिया की ज़िंदगी में मरने से पहले क्या नेकी या बदी कमाकर उसने अपनी आखिरत के लिए आगे भेजी थी और ये हिसाब भी उसके सामने रख दिया जाएगा कि अपने अच्छे या बुरे आमाल के क्या असरात वो अपने पीछे दुनिया में छोड़ आया था जो उसके बाद मदत हाय दराज तक आने वाली नस्लों में चलते रहे दूसरे मानी ये है कि उसे वो सब कुछ बता दिया जाएगा जो उसे करना चाहिए था मगर उसने नहीं किया और जो कुछ न करना चाहिए था वो उसने कर डाला तीसरे मानी यह है कि जो कुछ उसने पहले किया और जो कुछ बाद में किया उसका पूरा हिसाब तारीख़ वार उसके सामने रख दिया जाएगा चौथे मानी यह है कि जो नेकी या बदी उसने की वो भी उसे बता दी जाएगी और जिस नेकी या बदी के करने से वो बाध रहा उससे भी उसे आगाह कर दिया जाएगा मगर आदमी का नाम अमाल उसके सामने रखने की गरज दर हकीकत यह नहीं होगी कि मुजरिम को उसका जुर्म बताया जाए बल्कि ऐसा करना तो इस वजह से जरूरी होगा कि इंसाफ के तकाजे बरसरे अदालत जुर्म का सबूत पेश किए बगैर पूरे नहीं होते वरना हर इंसान खूब जानता है कि वो वो खुद क्या है, अपने आप को जानने के लिए वो इसका मोहताज नहीं होता कि उसे कोई दूसरा बताए कि वो क्या है एक झूठा दुनिया भर को धोखा दे सकता है लेकिन उसे खुद तो मालूम होता है कि वो झूठ बोल रहा है एक चोर लाख हीले अपनी चोरी छुपाने के लिए इख्तियार कर सकता है मगर उसके अपने नफ्स से तो ये बात मख्फी नहीं होती कि वो चोर है एक गुमराह आदमी हज़ार दलीलें पेश करके लोगों को ये यकीन दिला सकता है कि वो जिस कुफ्र या दहरियत या शर्क का कायल है वह दरक़ीक़त उसकी ईमानदाराना राय है लेकिन उसका अपना ज़मीर तो इससे बेखबर नहीं होता कि इन अकायद पर वो क्यों जमा हुआ है और इनकी ग़लती समझने और तस्लीम करने से दरअसल क्या चीज़ उसे रोक रही है एक ाल एक बदयानत, एक बद किरदार एक हराम खोर अपनी बदामालियों के लिए तरह तरह की माजरतें पेश करके खुद अपने ज़मीर तक का मुँह बंद करने की कोशिश कर सकता है ताकि वो उसे मलामत करने से बाज आ जाए और ये मान ले कि वाकई कुछ मजबूरियाँ कुछ मसलहतें कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं जिनकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है लेकिन इसके बावजूद उसको ये इल्म तो बहरहाल होता ही है कि उसने किस पर जुल्म किया है किसका हक मारा है किसकी इस्मत खराब की है किसको धोखा दिया है और किन नाजायज तरीकों से क्या कुछ हासिल किया है इसलिए आखिरत की अदालत में पेश होते वक्त हर काफिर हर मुनाफिक हर फास फाजिर और मुजरिम खुद जानता होगा कि वो क्या करके आया है और किस हैसियत में आज अपने खुदा के सामने खड़ा है